आपको दोनों चीज़ें नज़र आएँ, ठीक है। अब ये देखें बॉल, बॉब जो है उसको अंदर फॉल की है। तो ये हमारे पास प्रैक्टिकल है, ठीक है। इसमें फिर ये हमारे पास टेबल आ गया। देखें हम दो दो दफ़ा वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, उसको क्या ले लेंगे मेन, पहले डिस्टेंस है उसी को दो दफ़ा, वो अगर 40 40 लिया है 40 ले लेंगे, फिर उसकी मेन ले लेंगे। अब दो दफ़ा उसका आप टाइम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये टाइम आ गया, फिर उस टाइम का हम क्या ले लेंगे स्केयर, फिर जी की वैल्यू होगी 2/2s/t स्केयर। अब हम ये 4 से 5 दफ़ा हाइट को वेरिएट करके वैल्यूज़ लेंगे, फिर जो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगे उनके हम क्या ले लेंगे मेन, ठीक है। हमारे पास वैल्यूज आ गई किसमें, मीन में, सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। तो ये हमारे पास जो जी की वैल्यू है बाय फ्री फॉल मेथड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक टाइमर कैलकुलेट हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अदनान के लिए आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ। आज की वीडियो में हम परफॉर्म करेंगे एक अदद प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल का नाम है फ्री फॉल अपरेटस यूज़ करते हुए ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। ओके, अब अगर अपरेटस को देखा जाए तो हमारे पास अपरेटस में जो जो चीज़ें मौजूद होती हैं, एक ये फ्री फॉल डिजिटल अपरेटस होता है जिसके ऊपर एक अदर स्केल होता है जिसमें टाइम कैलकुलेट होता है, और वो टाइम होता है सेंटीसेकंड्स, ठीक है। इसके ऊपर 4 बटन होते हैं, 4 बटन में एक बटन रीसेट का होता है, एक मैग्नेट का होता है, एक स्टार्ट का होता है, और एक पावर का होता है जिससे आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट जो है वो मैग्नेटाइज के लिए होता है और दूसरा पॉइंट गेट स्विच के लिए होता है। इसमें एक कैलिब्रेटेड स्टैंड होता है जिसके ऊपर जो रीडिंग्स हैं वो सेंटीमीटर्स में दी गई होती हैं, ठीक है। और ये वैल्यूज़ 1 से स्टार्ट होके 100 तक जाती हैं, ठीक है। मतलब 100 सेंटीमीटर का ये कैलिब्रेटेड स्टैंड है। ये हमारे पास एक अदद मैग्नेटाइजिंग पॉइंट है, ठीक है। इसमें हम बॉब को अटैच करते हैं, सारा प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास जो है वो सेंसर बॉक्स है जिसके अंदर बॉब आके फॉल करती है तो ये सेंस करता है। अब फ्री फॉल के अंदर हम वैल्यू किस तरह यूज़ करते हैं और हमने क्या क्या कैलकुलेट करना है वो चीज़ हम देख लेते हैं। देखिए हमने डिस्टेंस की इक्वेशन पढ़ी हुई है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्केयर, ठीक है। अब जब भी बॉडी फ्री फॉल करती है ना तो उसमें जो इनिशियल वेलोसिटी होती है ना अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो क्या हो जाती है 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बच गई, S इज इक्वल टू हाफ GT स्केयर। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हमें चाहिए तो G जो होगा वो तो किसके बराबर आ जाएगा 2s/t स्केयर। ये हमारे पास वो फार्मूला है जिससे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, जी की। अब इसमें एस क्या है, डिस्टेंस जो कि एक ऑब्जेक्ट कवर करेगा फ्री फॉल करते हुए, और टी क्या है, वो टाइम है जिसमें वो डिस्टेंस को कवर करेगा। तो हमने बेसिकली इस अपरेटस के अंदर दो ही चीज़ें कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस और जिस टाइम में वो कोई भी ऑब्जेक्ट था वो उस हाइट को कवर करते हुए नीचे आया, ठीक है। अब इस सिलसिले को फिलअप करने के लिए, डिस्टेंस को और टाइम को, हम क्या करेंगे, हमने जो अपरेटस यूज़ किया है उसमें जो भी चीज़ें हमारे पास इस्तेमाल हुई हैं वो कैसे कैसे वर्कआउट करेंगे वो हम ज़रा देखते हैं। ये हमारे पास होती हैं बेटे मेटेलिक बॉक्स, ठीक है। अब इनको हम निकाल लेंगे बॉक्स में, ये मेटेलिक बॉब्स हैं, इनमें से किसी एक बॉब को हमें इस्तेमाल करना है, और हमने ना हाइट सेट करनी है सबसे पहले इन दो पॉइंट्स के दरमियान। हमने बॉब को फॉल करवाना है इस पॉइंट से, और वो कहाँ तक आएगी, इस मैग्नेटिक सेंसर में आगे फॉल करेगी। ये जो दो स्विच थे हमारे पास, इनमें से जो एक वायर होगी, ठीक है, उस वायर को हमने लगाया हो किसके साथ, ये सेंसर स्विच के साथ, और जो दूसरा हमारे पास मैग्नेटाइजिंग वायर है वो इस पॉइंट को क्या करेगी, मैग्नेटाइज। जैसे ही ये पॉइंट मैग्नेटाइज होगा तो जब हम इस बॉब को इसके साथ अटैच करेंगे तो बॉब इसके साथ अटैच हो जाएगी। और जैसे ही हम फिर कहाँ से मैग्नेटाइज करेंगे, ये देखें हमारे पास बटन अभी कहता है इसका, ठीक है। जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होगी हम इसको पावर ऑन करके रीसेट करके मैग्नेटाइज करेंगे। तो मैग्नेटाइज करते हुए किस तरह का पॉइंट शो होता है ज़रा वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें अभी मैंने अपरेटस ऑन किया है, तो ये अपरेटस में ऑन ऑफ का ऑप्शन होता है, ये ऑफ हो गया, ठीक है, और ये ऑन हो गया, ठीक है। अब रीसेट कर लें तक कोई भी जो वैल्यू वैल्यू ली हुई है वो सारी रीसेट हो जाए। जैसे आप मैग्नेटाइज का बटन दबाएंगे तो क्या होगा कि आपके पास ये दो लाइंस शो होंगी। तो
तो ये जो लाइंस हैं किसको शो कर रही हैं कि मटेरियल आपका क्या हो गया, मैग्नेटाइज। अब जैसे ये मैग्नेटाइज हो गया, आप ये बॉब लेंगे और बॉब को ये नीचे एक पॉइंट लगा होता है मेटल का, इसके साथ आप अटैच कर देंगे और इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच। ठीक है, मेक श्योर करना है आपका स्टैंड बिल्कुल सीधा हो ताकि जो बॉब है वो डायरेक्ट आके सेंसर बॉक्स में फॉल करें। मैग्नेटाइज की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि इसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन शो होती हैं। ठीक है, अब मैं स्टार्ट का बटन दबाऊंगा और जो बॉब है वो फॉल आग करेगी किस में, सेंसर बॉक्स में, और हमारे पास जो टाइम है वो सेंटी सेकंड्स में कैलकुलेट होगा। ठीक है, लेट स्टार्ट। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दोनों चीज़ें नज़र आएँ। ठीक है, अभी देखिए बॉब जो है उसके अंदर फॉल की है बाकायदा, वो पड़ी हुई कॉर्नर पे और इसमें टाइम आ गया कितना, 38 सेकेंड्स। अब हाइट देखें, मैंने हाइट कहाँ से स्टार्ट की है, 20 से, कैन यू सी। ठीक है, और ये एंड कहाँ पर हो रही है, अगर मैं नीचे से दिखाऊँ आपको तकरीबन थोड़ी सी रिफ्लेक्शन खत्म हो गई, 94 पे। ठीक है, तो 20 से 94 आप देख लें कितनी बनती है, 64। अब मेरे पास जो हाइट है वो कितनी आ गई, 64। अब ये पूरा जो स्केल होता है ना ये सेंटीमीटर्स में होता है, तो मेरे पास जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 64 सेंटीमीटर, और ये टाइम कितना आया, 38 सेंटी सेकेंड्स। देखिए हर प्रैक्टिस पर जो सेकेंड्स की वैल्यू हैं वो उसके हिसाब से दी होंगी, तो इसमें जो टाइम आया है वो कितना आया, 38 सेंटी सेकेंड्स। आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड्स में, तो 38 को किस पे डिवाइड कर देंगे, 100 पे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.38 सेकेंड्स। ठीक है, अब हमारे पास जो फार्मूला था उस फार्मूले में क्या है, हमारे पास g=2s/t². अब हम इसमें, अब ये हमने फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या किया है कैलकुलेट, फिर हम क्या करेंगे, हम इसकी पैदा हाइट को वेरिएट करेंगे। ठीक है, अब आप हाइट को क्या कर सकते हैं, वेरिएट। आप इस नोब को रोटेट करें, इसको लूज़ करें सेंसर बॉक्स को, इसको ऊपर ले जाएं। ठीक है, अब पहले वो कितना था, 20 पे, मैं इसको ले जाता हूँ लेट से 70 पे। ठीक है, ये आ गया अप्रोक्सीमेट किस पे, 70 पे आ गया। ठीक है, अब फिर उसी एक्सपेरिमेंट को हम दोबारा रिपीट करेंगे, क्या करेंगे, रीसेट करेंगे, मैग्नेटाइज करेंगे। अच्छा, हाइट आपने ग्रेजुअली डिक्रीमेंट से इंक्रीमेंट की तरफ लेके आनी, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा रहा था, मैं पहले हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा हुआ था, तो मैं ज़रा वीडियो मैंने बाद में बनानी शुरू की है, तो इसलिए अब हाइट अगर पहले मैंने 40 ली है, फिर मैं 50 लूँगा, 60 लूँगा, इस तरह इंटरवल्स में लूँगा। ठीक है, अब देखें ये 20 पे है, ये किस पे है, 70 पे, तो हमारे पास हाइट डिफरेंस कितना आ रहा है, 50। दोबारा से बॉब को अटैच करेंगे इस पर, क्योंकि मैंने वो मैग्नेटाइज पॉइंट दबाया हुआ है, फिर दोबारा मैं क्या करूँगा, स्टार्ट। ठीक है, अब देखें ये टाइम जो है ना ये चलता जा रहा है, अब इसकी क्या रीज़न होती है, रीज़न ये आपकी ना हाइट डिफरेंस होता है। अब मेरे टेबल जो था ना वो यूनिफॉर्म नहीं था, तो देखिए मैंने नीचे बकायदा वो मोबाइल रखा हुआ था, की को थोड़ा सा अटैच किया हुआ है। अब हाइट के डिफरेंस की वजह से जो बॉब है वो सेंसर बॉक्स के अंदर एग्जैक्ट फॉल नहीं की, वो इसके जो है ना एज पे टच की है, उसने इसको सेंस किया है लेकिन प्रॉपर सेंस नहीं किया, जिसकी वजह से टाइम जो है वो प्रॉपर कैलकुलेट नहीं हो रहा। इसलिए आप इसको दोबारा फिर से परफॉर्म करेंगे, ठीक है, रीसेट करके ऑफ़ कर लें, ऑन कर लें और रीसेट कर लें, बॉब को दोबारा निकाल लें बॉक्स में से। ठीक है, दोबारा निकाल के क्या करें, मैग्नेटाइज। अब दोबारा देखते हैं क्या हमारी जो हाइट डिफरेंस है वो ठीक है कि नहीं है, क्या करें, स्टार्ट फॉल की। ठीक है, अब देखें 32 पहले कितना था, 38, क्योंकि हाइट क्या थी, ज़्यादा, पहले हाइट कितनी थी, 64, अब हाइट कितनी है, 50। इसी तरह आप ग्रेजुअली जो है इंटरवल्स के अंदर अपनी वैल्यूज़ को जो है वो बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, और वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते जाएंगे। जब आपके पास एस आ जाएगा और टी का स्क्वायर आ जाएगा, आप इनकी मीन वैल्यू लेंगे और फिर जी के फार्मूले में पुट करेंगे और जी की वैल्यू क्या कर लेंगे, कैलकुलेट। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ आया होगा, दुआओं में याद रखिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इलम सीखने सिखाने और जो खिलाने का सिलसिला हमने शुरू किया वो जारी और सारी रहे। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।